नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ स्मृति भारद्वाज। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बुधवार रात रनों की जमकर बारिश हुई। सुमन गिल के दोहरे शतक के बूते भारत ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया जरूर, लेकिन दिल तो माइकल जोरेश्वर जीत गए। कीवी ऑलराउंडर ने ऐसी सनसनीखेज पारी खेली कि वक्त भारत हारता नजर आ रहा था। 350 रन की टारगेट के आगे न्यूजीलैंड ने 29वें ओवर तक महज 131 रन पे 6 विकेट भी गवा दिए थे। यहां से जीत की उम्मीद धूमिल थी, लेकिन माइकल ब्रेसवेल अलग इरादे से उतरे, 12 रन पहले आउट हो गए। भारतीय टीम जीत का जश्न भूलकर ब्रेसवेल को शाबाशी दे रही थी। उन्होंने खेल ही इतना शानदार किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल 2023 में किसी टीम ने उन पर दांव नहीं लगाया। ब्रेसवेल ने अपनी पारी के दौरान 12 चौके और 10 छक्के मारे। उन्होंने 31 गेंदों में 50 और 57 गेंदों में अपने 100 रन पूरे किए। शार्दुल ठाकुर जब आखिरी ओवर डालने आए तो न्यूजीलैंड को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। ब्रेसवेल ने पहली गेंद पे सिक्स मारा जबकि दूसरी वाइड रही, हालांकि तीसरी पर वो LBW आउट हो गए। ब्रेसवेल का साथ सेडनर ने बखूबी निभाया। आपको बता दूं कि जब टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी, इस दौरान ब्रेसवेल को मिचेल सेडनर का भरपूर साथ मिला। सेटना ने 45 गेंद में 57 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटाया। ब्रेसवेल का पहला शतक आयरलैंड के खिलाफ था। आयरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने मुश्किल परिस्थिति में ही न्यूजीलैंड के लिए कमान संभाली थी और टीम के लिए आखिरी तक बल्लेबाजी करते हुए जीत दिलाई। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए माइकल ब्रेसवेल 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे। शुरुआत में ब्रेसवेल ने सावधानीपूर्वक क्रीज पर अपनी आंखें जमाई। इसके बाद उन्होंने लगातार सभी भारतीय गेंदबाजों को अपना निशाना बनाया। इसी बीच उन्होंने अपना शतक पूरा कर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह के रिकॉर्ड को भी बराबरी कर डाली। ब्रेसवेल वनडे क्रिकेट में सिर्फ दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। ब्रेसवेल 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ शतकीय पारी खेली बल्कि उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ब्रेसवेल दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने वनडे में सबसे तेज शतक लगाया। ब्रेसवेल से पहले पाकिस्तान के धाकड़ ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 45 गेंदों में शतक लगाने का कारनामा किया था। हैदराबाद में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की थी, हालांकि रोहित 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरी छोर से शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जारी रखा और करियर का पहला दोहरा शतक जड़कर सनसनी मचा दी। शुभमन ने 149 गेंद में 208 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल के दमदार खेल के बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 350 रनों की स्कोर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।